Hi. Good afternoon. I think we are live. Let's see if we are live or not and please let me know if I'm audible clearly. Okay. हाय सत्यम हाय निलेश हाय संध्या हाय आकांक्षा हाय छवि हाय टू एवरीवन आपका एसएससी का पेपर हो गया नितेश सर हाय सातवे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू एवरी स्टूडेंट टू एवरी क्यूडी पाइस कैसे हो आप सभी आई होप मस्त होंगे मस्त मज़े कर रहे होंगे कह रहे हो अरे अरे ऐसे ही हो तुम तो। अरे बोलते हो कि यार मैम मज़े नहीं कर रही पढ़ाई करो एग्जाम और नहीं सच्ची सच्ची बताओ एक बार तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा या तो यूट्यूब पे देखा होगा या फिर वेब सीरीज देखी हुई कुछ तो देखा ही होगा <laughs> चलो साथ करते फिर देना आई एम श्री मिश्रा योर सोशल साइंस एंड इंग्लिश एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ अमेजिंग न्यूज ओके okay. सो so, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हम वन uh, शॉट कर रहे हैं थर्टी मिनट्स का उसको आज हम कवर अप करने वाले हैं पूरा आपको पता ही है एक रिमाइंडर साथ दे देते हैं आपको कि एस एम ट्वेंटी नाइन लाइव इज माई कोड टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट और लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट इज इमर्ज बी द फर्स्ट वन टू प्रैक्टिस फॉर सी बी एस सी टर्म वन एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न यू विल बी गेटिंग फ्री लाइव मॉक टेस्ट एवरी वीक जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलाइन विथ लेटेस्ट सी बी एस सी गाइडलाइंस टॉपर्स फीचर्स आपको अन अकेडमी सोशल मीडिया हैंडल पर मिल जाएंगे डिटेल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मिलेगी वीडियो के सल्यूशन फॉर्मैट में आपको मिलेगा एंड ऑल इंडिया रैंक भी मिल रही है अमेजिंग तो ये आपका इमर्ज है अब आपका जो नाइन्टी मेट्स का एम सी क्यूज बेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि आपका टर्म वन है बेसिकली फॉर क्लास टेंथ साइंस और मैथ्स आपके एटीन सेप्टेम्बर और नाइनटीन सेप्टेम्बर को है रिस्पेक्टिवली क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमेस्ट्री है अकॉर्डिंग टू द डेट्स एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फर्स्ट टाइमिंग इज़ फाइव टू सिक्स थर्टी पी एम एंड यू कैन एनरोल फॉर फ्री लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर फ्री में अनलॉक नहीं कर पाते हैं तो कोड भी आप लगा सकते हैं देट इज़ एस एन ट्वेंटी नाइन लाइफ ओके हेलो मैम आई एम न्यू सब्सक्राइबर आज से मैंने रोज़ आऊंगी मैं uh, मेरा नाम याद रखना ठीक है याशिका आपका नाम याद रखेंगे इज दिस वन शॉट सातवें हाँ हमने इसका uh, किया था एक वन शॉट परसों तो आज भी है मैम आप इंग्लिश का स्पेशल क्लास नहीं लेगी क्या टेंथ क्लास का लूंगी ना क्यों नहीं लूंगी हेलो मैम एम न्यू सब्सक्राइबर हाय याशिका चलो फिर टेंथ का लेंगे हम इंग्लिश का आप क्यों टेंशन ले रहे हो आपके लिए बहुत अमेजिंग सी चीज़ आ रही है ओके अन अकेडमी और सम्पेशल क्लास में क्या है आपको यहाँ पर रियल टाइम इंट्रैक्शन मिलेगा यूजिंग चार एंड मोजीज़ आपके पोल्स ली जाते दैट मीन्स क्विज क्विज होते हैं और आप लीडर बोर्ड में देख सकते हो कि आपका फ्रेंड और आप कौन सी पोजिशन पे हो ठीक <laughs> है ये देखा जाता है और आप मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होता है और आप अपने आज डाउट क्वेश्चन को क्वेश्चन तो में पूछ सकते हो इमेज के फॉर्म में एंड ऑल्सो राइटिंग फॉर्मेट में सो so, ये रहता है आज मैम बहुत फन मूड में माय नेम इज श्रुति मिश्रा आई एम योर एजुकेटर फॉर एस एंड इंग्लिश दिस इज फॉर क्लास नाइन्थ फ्रेंच रेवल्यूशन क्लास नाइन्थ येस छवि ये ओके okay. अब आप मेरी स्पेशल क्लासेस कैसे देख सकते हो आपको क्या करना है लर्नर्स आप डाउनलोड करना है उसके बाद आपको ऐसा पेज आएगा गेट स्टार्टेड पे जाइए फिर एक पेज ऐसा आएगा जिसमें अपना नंबर डालिए ओ आएगा करना एंड क्रिएट अकाउंट पर आ जाना उसके बाद आपको अपना प्रिपेयरिंग गोल सेलेक्ट करना है दैट मीन्स आप क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ वाला सेलेक्ट करेंगे फिर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है दैट इज़ नाइन्थ या टेंथ फिर जो आपकी प्रेफरेंस लर्निंग लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी है उसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको जाके क्लिक करना है उसके बाद आप नोटिफाई भी करेंगे तो आपको टेन मिनट्स पहले ही पता चल जाएगा कि मैम लाइव जाने वाली है एंड आपको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ एस एम ट्वेंटी नाइन लाइव ठीक है सो ये कोड यूज करोगे तो क्या होगा अनलॉक हो जाएंगे आपकी स्पेशल क्लासेस आराम से देख पाओगे ओके सर सेलिब्रेटिंग टीचर्स मंथ सर ये है आपके प्यारा सा ऑफर फॉर प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए ऑफर एंड हो रहा है ट्वेंटी सितंबर को एंड फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट है ऑन परचेजिंग प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी ड्यूरेशन दैट मीन्स इस कोई से भी ड्यूरेशन का लेते हैं अगर आप ये ड्यूरेशन लेते हैं तो आपको फोर मंथ्स फ्री मिलता है ये लेते हैं तो सिक्स मंथ्स ये लेते हैं तो एट मंथ्स ठीक है वैलिड सिर्फ फाइव हंड्रेड सब्सक्रिप्शन के लिए है एस एम ट्वेंटी नाइन लाइव इज रिकोर्ड टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट अब चॉइस आपकी है कि आपको ऐसा रखना है या फिर ऐसा रखना है चॉइस इज योर कि आपको क्या करना है ठीक है <laughs> ओके कूल वेरी गुड चलो फिर आगे चलते हैं एक और सरप्राइज और सरप्राइज ये है कि आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है फ्रॉम आर योर फेवरेट टीचर्स मतलब हम हमारी तरफ से है आई आई टी जी एंड नीट यू जी विथ सी बी एस मतलब सी बी एस प्लस आई आई टी जी और नीट यू जी लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस आपको मिलती है एटी वन थाउजेंड की बट क्योंकि हम आपको कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ ऑफर प्राइस है सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सिर्फ ये वैलिड है ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर के लिए और फर्स्ट फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स के लिए एंड वी हैव एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स दैट इज अ रेज अ हैंड हो माई गॉड मेरे को तो आप लोगों से बात करने की बहुत तहे दिल से इच्छा होती है और इसलिए मैं uh, <laughs> बोलती हूँ बच्चों को नहीं सत्तू तुमको नहीं भूलें हम कैसे भूलेंगे सत्तू ठीक है सर रेज़र हैंड रेज़र हैंड में हम बातचीत करते हैं लाइक मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ हम डिस्कशन करते हैं हम एस एस टी में डिबेट्स करते हैं हम रीडिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है सो रेज़र हैंड बहुत अच्छा है आप अपने फेवरेट एडुकेटर से वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड आप क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिबेट्स में वाई वाई में इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत अमेजिंग फीचर है और कोड आपको तो बताइए पता है ना आपको कोड कोड ये बैचे स्टार्ट हो गए फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के लिए कोड आपको मालूम है एनरोल करने के लिए एस एंड वेडी नाइन लाइव टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑल्सो वी हैव अन अकेडमी कॉम स्कॉलरशिप फॉर क्लास नाइन्थ यू कैन विन योर स्कॉलरशिप विथ रुपीज़ वन करोर एंड टेस्ट का मीडियम लगेगा हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश में क्लास नाइन्थ के लिए है ये नाइनटीन सेवन एलेवन ए एम एनरोल कर लीजिए अभी इनवाइट कोड है कम बैक नाव प्लीज़ इसको याद रखना इसको यूज़ करोगे तभी इन कर पाओगे थर्टी क्वेश्चन होंगे फोर्टी फाइव मिनट्स के फ्री लाइव टेस्ट है ऑन एंड्रॉयड ओके अन अकेडमी एच ये सबसे बेस्ट है फॉर क्लास टेंथ के लिए नहीं तुमको नहीं भूली मैं ठीक है सो अन अकेडमी एच टारगेटिंग जी ट्वेंटी फोर गेट हेड ऑफ योर पीयर्स अगर आप बाय करते हैं आई आई टी जी थर्टी मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और आपको क्या मिलेगा साथ में मिलेगा आपको सिक्स मंथ्स का क्लास टेंथ का सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑन फोर्टीन परसेंट ऑफ बट अगर आप करते हैं बाय आई आई टी जी प्लस सी बी एस ई के ट्वेल्थ थर्टी मंथ्स का कॉम्बो तो आपको आई आई टी जी के साथ साथ क्लास टेंथ इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का भी थर्टी मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है दैट मींस ऑफ ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ चॉइस आपकी है कौन सा चूज करना है जो जो भी चूज करोगे ऐसे में ट्वेंटी नाइन लाइव लगा देना टेन परसेंट और मिल जाएगा ठीक है अब क्लास टेंथ के लिए बैच इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि आपका टर्म वन है बोर्ड है तो आपको ऑब्वियसली बेस्ट करना है आपको हंड्रेड परसेंट स्कोर करना है तो टॉप एजुकेटर्स आपके साथ होंगे कंप्लीट करेंगे कंप्लीट करेंगे कोर्स टर्म वन के लिए नवंबर से पहले पहले क्योंकि नवंबर में आपके पेपर्स हैं सो हमारा टारगेट है कि हम आपका आ, कोर्स नवंबर से पहले पहले करा दें अभी अगर आप जी आई आई टी जी फाउंडेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पे इंडिया स्टॉक एजुकेटर्स टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास टेन स्टूडेंट्स टू जी एस्पिरेंट्स कैसे सुनने में अच्छा लग रहा है जी एस्पिरंट्स सो so, ये रहे आपके तेन बैच के लाइनअप्स ये आपके एजुकेटर्स हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं आपके अपकमिंग बैचेस में ये आपके आई आई टी जी फाउंडेशन के बैच लाइनअप हैं है ये आपके टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे अपकमिंग सेशंस uh, में ओके चलिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अच्छा मैम मुझे लगा भूल गए नहीं भूले बेटा चलो अभी लास्ट टाइम मेरे को बताओ क्या पढ़ा था फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं हाँ तो लास्ट टाइम हमने आउटब्रेक पढ़े थे हमने जाना था कि कैसे क्या क्या हुआ था पूरी स्टोरी जानी थी और हमने बोला था कि द रीजन ऑफ टेरर हम आज से स्टार्ट करेंगे ठीक है बस आ, हम आज ही करने वाले हैं सेशन फ्री हमने ऑलरेडी वन शॉट का एक सेशन कर लिया था परसों सो so, वो हमने कर लिया था उसमें हमने हाफ चीज़ कर ली थी आज आधी चीज़ करने वाले हैं तो ये कंप्लीट होते ही आपका एक मेंटी बैटल होगा मतलब मेंटी क्विज होगा उसके अंदर आपको फिफ्टी क्वेश्चन मिलेंगे एक घंटे का सेशन है वो उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे अजर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनना ठीक okay, अच्छा है इट्स ओके सत्तू अच्छा तुम्हारा रिविजन हो जाएगा चलो द रीजन ऑफ़ टेरर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 का ये दौर है ठीक है इज़ रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ़ टेरर तो रीजन ऑफ़ टेरर की जब बात हो रही है तो हम कब की कौन सा ये दौर है इसको याद कर लेते हैं 1793 से लेके 1794। कुछ ये इतने पीरियड का मतलब ये जो 93 और 94 का बीच का जो गैप है एक साल का जो गैप है वो पीरियड uh, को क्या बोलते हैं हम द रीजन ऑफ टेरर ठीक है पीपल हुम रॉबसपायर रॉबस्फियर सॉ एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक वर अरेस्टेड इन प्रजेंट एंड देन ट्राइड बाय अ रेवल्यूशनरी ट्रिब्यूनल ठीक है अभी क्या हुआ जो पीपल uh, थे जो रॉबसफेयर के एनिमीज थे उनको रिपब्लिक ने अरेस्ट कर मतलब जो रिपब्लिक कहते थे खुद को उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया और उनको रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के तहत उनको जेल में डाल दिया गया इफ दे वर डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कंट्री अगर वो डिक्लेयर कर देते गिल्टी बाय द कोर्ट देन वर गिलंटेड ठीक है अभी इसका क्या मतलब हुआ अगर कोर्ट उनको बोल देता कि ये लोग दोषी है ये जो इनके अगेंस्ट थे, ये लोग अगर दोषी है तो इनका हम सर काट देंगे अभी इसका जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है इसको आपको पता है एक ऐसा ऐसा होता है एक टेबल होती है यू ठीक है उसके ऊपर ऐसा कट सा होता है यहाँ पे हेड आता है पर्सन का और फिर यहाँ पे वो एकदम आरी सी होती है और फिर वो हेड कट हो जाता है ये मैंने बहुत गंदी ड्राइंग करी है प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कब है मेंटी मेंटी है जल्द इस सेशन के बाद होगा uh, कल तो हमारा स्पेनिश क्लास है देखते कब है मेंटी ठीक है ओके okay, तो ऐसा होता है हमारा ये मैं ड्राइंग को मिटा देती हूँ इससे पहले तुम लोग इसको कैप्चर कर लो ठीक है सो उनका धर अलग कर देंगे मतलब गर्दन से उनको काट दिया जाएगा ये उनकी पनिशमेंट थी दलतीन तो, इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज़ बी हेडेड नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिल्टन सो ये एक पूरा आप इसको याद कर लीजिए अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो द गलटन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पी पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड नेम्ड आफ्टर डॉक्टर जिल्टन ठीक है लॉज वेयर इशू टू प्लेस अ मैग्जिम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेज मीट एंड ब्रेड वेयर रैशन सो ये इनके प्राइसिस बहुत ज़्यादा हाई कर दी गई थी एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर मतलब आटा जो होता है उसको भी बहुत एक्सपेंसिव कर दिया था फॉर टू यूज मतलब उसको बंद ही कर दिया था कि आप यूज ही नहीं कर सकते हो मतलब सिर्फ रिच वाले लोग यूज कर सकते हैं नहीं करीमा ये मेरा ऑफिस है <laughs> चलो इक्वालिटी वॉज प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर एड्रेस एज सिटीन एंड सिटीन ठीक है अब सिट एंड सिटनी का मतलब क्या होता है सिटीजन फ्रेंच में हम बोलते हैं ना कि ये हमारे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं तो इसको हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं हाँ सिटी एंड सिटी बोलते हैं डेट मीन सिटीजन्स सिटीजन एंड सिटीजन्स ओके सो हाँ इन जुलाई 1794 ही वाज़ कन्वेक्टेड बाय अ कोर्ट अरेस्टेड एंड द नेक्स्ट डे सेंट टू द क्लिटिन किसकी बात हो रही है यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताओ यहाँ पे ही किसको डिनोट करा हुआ है फटाफट से बता दो देखते कौन कौन एक्टिव था अभी कहानी सुनने में लग रहा है किसी को पता नहीं है सब ऐसे ही देख रहे हैं है ना 16, नहीं <laughs> बात हो रही है इसकी वेरी गुड जिसने भी ये आंसर किया है ठीक है अब बात करते हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की ठीक है और डायरेक्टरी रूल फ्रांस का क्या था मैक्सिल रॉबर्स यस इस गुड सो फॉल ऑफ द जैक्यबिन गवर्नमेंट अलाउड दी वेल दियर मिडिल क्लासेज टू सीज पावर सो जो जैक्यब गमेंट थी उन्होंने अलाउ कर दिया था मिडिल क्लासेज वाले लोगों को कि आप सीज कर सकते हैं उनकी पावर अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिनाइड वोटिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था निकाला गया था जैक्यबिन uh, गवर्नमेंट uh, के थ्रू उन्होंने बोला कि जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस है सोसाइटी के मतलब जिनकी प्रॉपर्टी जो नॉन प्रॉपर्टीड है मतलब जब्त की हुई प्रॉपर्टीज है उनके जो ओनर्स है उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा ठीक है इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ये प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के थ्रू द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ फाइव मेंबर्स सो क्या हुआ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपॉइंट किया किसको डायरेक्टरी कंस कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ठीक है डायरेक्टरी कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव को किया जिसके अंदर फाइव मेंबर्स थे ठीक है फाइव मेंबर्स थे याद रखना इस चीज़ को लीजिए आपके लिए स्टार भी मांग कर दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव द वे फॉर मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बेनोपेट ठीक है जो पॉलिटिकल uh, हमारे uh, इंस्टेबिलिटी थी वो कैसे जैसे एक अच्छे वेद में आए किसके द्वारा मिलिट्री डिक्टेटर दैट वाज नेपोलियन नेपोलियन जी आए और उन्होंने थोड़ा सा सत्ता को संभाला ठीक है अब क्वेश्चन उठता है डेड वुमेन हैव अ रेवल्यूशन क्या जो वुमेन्स थी वो क्रांतिकारी के फॉर्म में आ पाई कोई बात नहीं आशुका चोके चलो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन सो इसकी बात करते हैं उसके बाद हम नेपोलियन की बात करेंगे अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे कि नेपोलियन कब आया था तो बात करेंगे नेपोलियन वॉज अ पर्सन जिसने uh, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी थी और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी दी थी सो so, वो अच्छा भी था और बुरा भी था बहुत लंबी स्टोरी है अभी बात करेंगे पहले इसको कवर करते हैं ठीक है वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग विच ब्रॉट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द कंट्री जो हमारी वुमेंस थी ना फ्रेंच फ्रांस की तो वो बहुत स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी जिसके वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए कंट्री में ठीक तो है वुमेन फ्रॉम द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एंड दे डिडेंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग जो थर्ड एस्टेट के जो विमेंस थी ना उनके पास राइट नहीं था किस चीज़ का एडुकेशन का या फिर वर्क करने का या फिर जॉब करने का या फिर जॉब ट्रेनिंग लेने का उनके पास ये राइट नहीं था ठीक uh, con so है डॉटर्स ऑफ नोबल्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वर अलाउड टू स्टडी एट अ कॉन्वेंट कॉन्वेंट एज अ स्कूल क्रिश्चन स्कूल सो ये क्रिश्चन स्कूल है सो so, यहाँ पे जैसे मिशनरी uh, स्कूल्स होते हैं कॉन्वेंट स्कूल होते हैं तो वैसे ही ये स्कूल था तो जो नोबल्स के डॉटर्स थी जो उनको अलाउड था कि uh, वो कर सकते वो स्टडी uh, कर सकती है कॉन्वेंट स्कूल में वर्किंग वुमेन आल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज जो वर्किंग वुमेन्स थी उनको भी ध्यान रखना पड़ता था अपनी फैमिलीज़ का कंपेयर टू मैन देयर वेज वर लोअर अभी जो अगर हम बात करें मैन uh, की जो हमारे यहाँ पे मैन uh, वर्कर्स थे उनके uh, हिसाब से जो वुमेन वर्कर्स थे उनके वेजेस बहुत कम थे ठीक है वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। फिर क्या किया वुमेन्स ने वुमेन बहुत स्मार्ट है ना उन्होंने बोला हमारे वेजेस कम है तो क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं है उन्होंने खुद का ही एक पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया और न्यूज़पेपर स्टार्ट करी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वूमेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वूमे क्लब सो मैन का कौन सा फेमस क्लब था फटाफट कॉमेंट करके बताओ मी होगा जल्दी होगा आज वन शॉर्ट है इसको कंप्लीट करते फिर मेन्टी करेंगे बताओ मेल का फेमस क्लब कौन सा था पॉलिटिकल क्लब कौन सा था जिसमें मेल लोग ज्यादा थे क्विकली जैक्यबिन क्लब गुड सो जैक्यबिन क्लब बहुत फेमस था पॉलिटिकल क्लब था वो जहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा थी वैसे ही सोसाइटी रेवोल्यूशनरी करके एक रिपब्लिकन वेमेन मोस्ट फेमस हो गया वेमेन्स क्लब का तो मतलब रिपब्लिकन वेमेन वॉज द क्लब जो कि रेवोल्यूशनरी में आया था दे डिमांडेड इक्वल पोलिटिकल राइट्स एज मैन द राइट टू वोट टू द होल्ड एंड पोलिटिकल ऑफिस उन्होंने क्या डिमांड किया उन्होंने डिमांड किया कि हमारे पास इक्वल पोलिटिकल राइट्स होने चाहिए एज़ कम्पेरिजन टू मैन सो मैन के जो है पोलिटिकल राइट्स वो हमारे होने चाहिए द राइट टू वोट एंड टू होल्ड पोलिटिकल ऑफिस द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉस टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वीमेन Schooling became compulsory, divorce made uh, legal and they could run small businesses. तो ab kya hua The revolutionary jo government thi hamari the revolutionary jo government thi unhone kya kiya उन्होंने introduce किया एक law और improve किया उनकी lives को, मतलब women's की lives को improve कर दिया. कैसे किया? Uh, उनका जो schooling क्या uh, schooling कर दी compulsory, ठीक है? Divorce उनको कर दिया, uh, divorce legal कर दिया. कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं और उनको परमिशन दे दी कि आप अपना एक स्मॉल बिजनेस रन कर सकते हैं अथॉरिटी दे दी ठीक है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट क्लोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट क्लोज वुमेंस क्लब्स बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज तब रीजन ऑफ टेरर चल रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या किया वुमेंस के जो क्लब्स थे उनको बैन कर दिया गया क्यों बोला क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो आफ्टर मच स्ट्रगल वुमेन इन फ्रांस इन 1946 फोर्टी सिक्स वन द राइट टू वोट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मतलब इतना सब सही जा रहा था इतने में रीजन ऑफ टेरर में एक चीज़ आई कि आप भाई आप देश जोड़ी वाला काम कर रहे हो आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हो क्लब में विच इज़ नॉट अलाउड इसके तहत वो चीज़ बैन कर दी गई बट बहुत स्ट्रगल के स्ट्रगल के बाद 1946 फोर्टी में वुमेंस को राइट मिला वोट का ठीक है अभी बात करते हैं द ऑफ स्लेवरी ठीक है अभी तक कोई डाउट किसी को किसी को कोई डाउट गुड चलो फिर जेके बिन रिजाइम्स मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म वॉज दी अबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज जो जैकबिन रजाइम था वो बहुत ही फेमस था मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म के लिए उन्होंने जो स्लेवरी था उसको बॉलिश कर दिया था फ्रेंच कॉलोनीज में दैट मीन्स उनकी जो फ्रेंच कॉलोनीज थी उसमें जो स्लेवरी वाला पोर्शन था उसको अबलिश कर दिया था इन द सेवनटीन्थ सेंचुरी प्लीज मार्क दिस इन द सेवनटीन्थ सेंचुरी स्लेवरी ट्रेड बिगेन so in 17th century slavery trade began slaves were brought from local uh, chieftains branded and shackled and were packed tightly into ships for three months long voyage across the at, uh, atlantic to the caribbean ठीक है तो क्या करते थे लोग अपने स्लेव्स को लाने के लिए क्या करते थे वो क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड ओके सो 17th सेंचुरी में ये ट्रेडिंग चालू हुई थी स्लेवरी की तो इसमें क्या हुआ था उन्होंने स्लेव्स uh, को लेके आते थे लोकल शिफ्टिन से मतलब लोकल जगहों से ठीक है uh, और उनको ब्रांडेड uh, uh, कर देते थे और उनको शैकल शैकल मतलब उनको बांध देते थे एकदम बांध के ऐसे एकदम यू बांध देते थे और उनको पूरा पैक करके हाथ पैर पूरे बांध बूंद के एकदम अच्छे से पैक करके उनको शिप्स पे छोड़ देते थे वो भी थ्री मंथ के लिए जो थ्री मंथ का वॉयज वॉयज समझते हो बहुत बड़ी शिप्स होती है जो इधर से उधर ट्रांसलेशन करती है सो so, थ्री मंथ्स के लिए उनको वॉयज में डाल देते थे, थे और वो चालू होता था कहाँ से अटलांटिक से लेके कैरेबियन तक जो कि फ्रांस के पास है ठीक है यू गॉट मेनी क्वेश्चन रॉन्ग इन एस एस टी एग्जाम वाई पढ़ा नहीं था मैम से हम्म hmm, ऐसा ही होता है जो मैम से नहीं पढ़ता वो गलत करके आता है मैम ने बताया प्लस क्लोज प्लस कोर्स में सिक्स हंड्रेड एम सी कराए थे और वो जो जो बच्चों ने अटेंड किया ना उनके फुल नंबर आए हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स में अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है चलो यू हैव डाउट इन सिविक्स आपके जो भी डाउट्स हैं उसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रखो टमी में रखो ये कंप्लीट होने के बाद आपके डाउट्स लेंगे ठीक है ओके स्लेव लेबर मेट द ग्रोइंग डिमांडेड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर कॉफ़ी एंड इंडिगो जो स्लेव लेबर थे उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया यूरोपियन मार्केट से कि शुगर कॉफ़ी और इंडिगो चाहिए थ्रू आउट द एटीन सेंचुरी देर वॉज लिटल क्रिटिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस सो थ्रू आउट द एटीन सेंचुरी थोड़ा बहुत क्रिटिज्म हुआ स्लेवरी के थ्रू इन फ्रांस में इन 1794 In 1794, the convention legislated कन्वेंशन uh, to free all slaves in the French overseas possessions. जो लोग overseas में मतलब उनको बांध दिया गया था तो 1794 नाइन्टी फोर में लेजिस्लेचर uh, ने बोल दिया कि इनको free करो यार अब नहीं करना ये फिर Napoleon ने introduce किया slavery after 10 years। सब सही जा रहा था फिर आए हमारे भैया आए नेपोलियन भैया आए इन्होंने क्या किया इन्होंने दस साल बाद इन 1848 में वापस चालू किया स्लेवरी वाले को स्लेवरी वॉज अबॉलिश इन द फ्रेंच कॉलोनीज लेके आए इंट्रोड्यूस करा आफ्टर टेन ईयर्स बट इन 1848 में स्लेवरी वॉज अबोलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज लेके आए थे टेन ईयर्स बाद बट 1848 में अबॉलिश कर दिया गया फ्रेंच कॉलोनीज से द रिवोल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ क्या थी अक्षत सॉरी क्यों बोल रहे हो इट्स ओके अभी तुम्हारा है चांस नो no वरीज अभी है तुम्हारे पेपर्स बच्चे हैं हम मेरे साथ पढ़ोगे तो अच्छा कर पाओगे फ्रांस ड्यूरिंग सेवनटीन एटी नाइन सॉ चेंजेस ठीक है जो फ्रांस था उसने देखा मतलब जो कंट्री थी वो देख रही थी कि सेवनटीन एटी नाइन में चेंजेस आए हैं इन द लाइव ऑफ मेन वेमेन एंड चिल्ड्रेन सबकी लाइफ में चेंजेस आए हैं अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप हैपन इन द समर ऑफ सेवनटीन एटी नाइन जो सेंसरशिप अबोलिश अबोलिशन था वो कब हुआ समर 1789 में हुआ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच सो डिक्लेरेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट जो हमारा डिक्लेयर कर दिया गया जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है उसको uh, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक्सप्रेशन है उसको नेचुरल राइट right कर दिया गया मतलब ये कोई ऐसा राइट right नहीं है ये हमारा हक है इसको पूरा डिक्लेयर कर दिया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रेस को भी एक फ्रीडम uh, मिला कि वो uh, अपने व्यूज को एक्सपोज कर सकते हैं अपोजिशन के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं प्लेस सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोजेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे पहले इतना माहौल नहीं था कि वो सेलिब्रेट कर सकें बट फिर बाद में प्लेस मतलब ड्रामा सॉन्ग्स और फेस्टिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर आए ताकि इसे लोग अट्रैक्ट हो और लिटरली बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल अट्रैक्ट हुए कन्क्लूजन सो वी आर एंड टू आर कंक्लूजन मैम आई फ्रॉम क्लास टेन बट वॉच योर वीडियो फॉर नाइन्थ क्लास हाउ वॉज द व्यू कैसे थे आपके व्यूज़ हमारी क्लास देख के हाई हाय बच्चा हम कंक्लूजन पे आ गए हैं सो नेपोलियन बैनोपेथ क्राउन हिमसेल्फ एम्पयर ऑफ फ्रांस इन 1804 अभी आपने मुझसे पूछा था कि नेपोलियन कब आया था तो उसको ताज उसकी ताजपोशी हुई थी फ्रांस में इन 1804 में एंड इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाई दी डेसिमल सिस्टम सो वो आया आते ही जैसे उसको उसकी ताश हुई तो क्या किया उसने उसने एक लॉ दो तीन लॉज जारी किए दैट वॉज एक तो प्रोटेक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी कि आपके अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर किसी का हक नहीं होगा उस पर प्रोटेक्शन का दे दिया एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए कि जो हम अब आप, आपका भी मार्केट गए हूँ सब्ज़ी मंडी में गए हूँ तो उसमें जो नाप तोड़ होता है उस पर उन्होंने किया जो वेट्स थे जो मेजरमेंट्स थे उसको डेसिमल सिस्टम में लेके आए ताकि से पर्टिकुलर नंबर ही दिया जाए कोई एक्स्ट्रा पैसा ना जाए किसी का एक्स्ट्रा पैसा ना लगे नेपोलियन वाज डिफीटेड एट द वाटरलू इन 1815 तो नेपोलियन को एक बहुत ज़्यादा हार मिली डिफीट कर दिया गया एट वाटर इन एटीन द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आइडियाज़ थे लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट थे लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कॉलोनीज पीपल्स रिवोक्ट ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट अ अवर्जन नेशन स्टेट सो जो कॉलोनीज पीपल थे मतलब जो लोकल uh, पीपल थे फ्रांस के उन्होंने क्या जो आइडिया जो था फ्रीडम का उसको वापस क्रिएट किया और सोवर्जन नेशन स्टेट में लेकर आए सो दिस वॉज योर फ्रेंच रेवोल्यूशन अब पूछो डाउट एग्जैक्टली <laughs> exactly. बहुत ही बढ़िया गुड मैम स्लाइड्स और नीचे हो सकती है इससे ज्यादा क्या नीचे करूं ठीक <laughs> है सत्तू ओके आई एम शाना ओके शाना ओके मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ थ्री टू फाइव मार्क्स के हम मेंटी uh, से पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके थोड़े बहुत मैप्स होंगे थोड़े कार्टून बेस्ड होंगे जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे ऐसा करके बहुत सारे हैं सो so, वो जल्दी कराऊंगी मैं अभी uh, आज तो वन शॉट था तो इसलिए आप, आपको सिर्फ रिवाइज़ करा दिया कि ये पूरी स्टोरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की इसको हम ऑलरेडी स्पेशल क्लास पे कर चुके हैं अगर आपको नहीं पता स्टोरी तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं आपको और डिटेल में पढ़ना है तो अभी प्लस कोर्स चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर उसमें डिटेल में हर चीज़ें बताई जा रही है कि कब कब क्या हुआ था कैसे फाइट धुसुम ढाशन हुई थी सो so, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एस एन ट्वेंटी इज द कोड अभी डाउट्स पूछो कोई से भी डाउट हो पूछो हाँ पूछो याशिका सर so, रिमाइंडर है एस एम ट्वेंटी नाइन लाइव इज दी कोड पेन कलर चेंज कर लेते हैं आपको एक चीज़ दिखाऊ एसएसटी पढ़ने के बाद आपकी फेस पे ये होता है <laughs> अच्छा है ना और दिखाऊं और मैम को आप पता है क्या करते हो आप मैम को इतने सारे हार्ट्स दे देते हो क्योंकि मैम आपको अच्छा पढ़ाती है ब्यूटिफुल चलो अभी गेम बाद में कर लेंगे डाउट पे आ जाते हैं दीदी कभी टाइम मिले तो इसका टाइमलाइन ला देना डेट्स का अरे डेफिनेटली टाइमलाइन भी है हमारे पास हैंड रिटन नोट्स मैं लॉन्च कर दूँगी हैंड रिटन नोट्स को डिस्कस करेंगे उसमें टाइमलाइन है इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सब कुछ है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन किससे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन किसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल का चैप्टर का है सो so, कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिज़ाइन एक ड्राफ्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन uh, एक रिटर्न फॉर्मेट है उसमें वो जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजनस ले रहे हैं वो जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज़ इंस्टीट्यूशन जैसे हमारा स्कूल uh, होता है उसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं कॉलेज होता है उसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल का भी एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर सारे डिस्कशन होते हैं हर राइट right के हर चीज़ के और हर चीज ड्राफ्ट होती है ठीक है सो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन मतलब हर चीज डिजाइन हो रही है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चलो और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए प्लस एंड आइकॉनिक का आपको थोड़ा सा बता देते है, कलर हैं कलर लेते हैं हम ये प्लस और आइकॉनिक प्लस में आपको इंडियास बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विज़ स्ट्रक्चर्ड कोर्स इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड आपको आइकॉनिक में क्या क्या मिल रहा है इसके साथ आपको मिलेंगे पर्सनल मिनटॉर लाइव डाउट सोल्यूशंस पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर आप कोई सा भी लेते हैं तो आपको तो पता है ये जो कोड दिख रहा है ना बीच में इसको आप अप्लाई कर दोगे ना तो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और ये सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे अब आपको बेस्ट चीज़ बता देती हूँ एक ट्रिक बताती हूँ दैट इज़ द लॉन्गर ड्यूरेशन यू विल टेक द लेस यू पे पर मंथ वट आई मेन फ्रॉम दिस अगर आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हो तो आप फोर्टी एट मंथ्स का ले रहे हो आपने ठान लिया है कि भाई मैं अपनी पूरी जर्नी यहीं पे अपने प्यारे एडुकेटर्स के साथ ही बताऊंगा या बताऊंगी तो आपने फोर्टी एट मंथ्स का ड्यूरेशन लिया आपको हर महीने सिर्फ एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री रुपीज़ देने हैं और आपका सुखी जीवन मतलब नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ इसके थ्रू निकल जाएगा सारे सब्जेक्ट सारे एडुकेटर्स आपके बाई यूजिंग द कोड एस ट्वेंटी नाइन लाइफ एस एम ट्वेंटी नाइन लाइव कोड यूज़ करोगे एक तो टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा साथ में आपको मेरी क्लासेस तो दिखेंगी दिखेंगी बाकी जितने भी एजुकेटर्स है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके वो सब आपको दिखने को मिल जाएंगे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने पर ठीक है वैसे ही टेंथ और बाकी योग के लिए भी है ठीक है टेन परसेंट ऑफ आपको मिल रहा है अन अकाडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे एस एम ट्वेंटी नाइन लाइव इज द कोड फॉर गेटिंग टेन परसेंट ऑफ आपको क्या करना है गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है अकेडमी ऐप और ट्राई करना है सारे फीचर्स फॉर फ्री बाय यूजिंग एस एम लाइव कोड समझ गए ओके okay, अभी कोई डाउट कोई डाउट किसी को क्या स्किप करूं चलिए सो so, अभी हमारा वन शॉट हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेक्स्ट uh, सेशन आपका है स्पेनिश uh, या फिर फ्रेंच uh, में से किसी का सेशन है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी और हमारा मेंटी होगा उसमें फिफ्टी क्वेश्चन होंगे बहुत हार्ड होंगे तो ध्यान से करना आप पढ़ के आना और उससे पहले मेंटी से पहले ही मैं एक फ्रेंच क्लास ले लूँगी मतलब इस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्लास लूँगी जिसपे आपको हंड्रेड uh, नोट्स मिलेंगे Uh, साथ ही साथ में आपको मिलेंगे आर टाइम आपको मिलेंगी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड फिलासफर्स ने क्या क्या किया था सब कुछ मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके थोड़े बेसिक और ज़्यादा एम सी क्यूज सो एंटायर ये वन आवर का सेशन होगा मेंटी से पहले ताकि से आप मिनटी में अच्छा स्कोर कर सकें ठीक है ओके okay, सो so अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू दिस चैनल बेल आइकन को दबा दीजिए ना ताकि सबको पता चल जाए कि आपकी मैम कब लाइव आ रही है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए रिमाइंडर्स अपकमिंग क्लासेस के आपको मिल जाएंगे अन अकेडमी के अपडेट uh, सेक्शन में कि यूट्यूब क्लासेस कब कब है उसमें जाके अपना सेट रिमाइंडर कर लीजिए और मैम को अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए मैम की स्पेशल क्लासेस को देख लीजिए ज्वाइन कर लीजिए या सो लेट्स क्रैक आर नाइन्थ एंड टेंथ क्लास वी विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क हार्ड ये वाला सेशन जल्दी होगा एक बार अपकमिंग सेशन तो शेड्यूल हो गए हैं सो so, उसके बाद हम डेफिनेटली फ्रेंच को भी करेंगे मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी ये वाला सेशन लिखेंगे एक दो दिन में हो जाएगा ठीक है सो आई सी यू सू इन इन द नेक्स्ट सेशन आई होप यू लव लव इट प्लीज हिट द लाइक बटन एज मच एज यू कैन डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू सू इन द नेस्ट सेशन आई लव यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग Bye bye and take care.